Hello, my dear students, welcome to Learning Continues. It's very long that we have not meet together. We generally stay at home by this COVID-19 situation, by this COVID-19 pandemic. Government has ordered many precautions that we have to follow it. Just follow the precaution that government has ordered and stay home, stay safe. I am well, hope you are well. Pray for me. Today, I shall tell you a story. A story of humor. Now, what is humor? Humor means someone who can change anyone's mood by doing an action, by entertaining. The one who can entertain people by his action, by his loving, is known as humor. Basically, the meaning of humor is basically the feeling or mood. So in this chapter, in this story, we'll see a man who can entertain people, who can make the people happy. So the name of the story is The Story of Tenali Raman. So I have a book. I will dictate the story and explain it. So follow me. Line by line, I will explain the story in Hindi. Hope you will satisfy with me. And if you satisfy with me, then press the like button. And if you are new in my channel, then subscribe my channel and make me or give me a boost to create some more videos on story on science. Thank you. So let's start the story. So let me start the story, the story of Tenali Raman. In a village in Andhra Pradesh called Tenali, there lived a poor Brahmin youth by the name of Ramakrishna. यानी कि आंध्र प्रदेश एक स्टेट होता है इंडिया का, जहाँ पे तेनाली कह के एक पुअर ब्राह्मिन बॉय जो रामकृष्ण के नाम से यहाँ पे रहता था. His father had died when he was very young and his mother had not had enough money to send him to school. और उनका जो तेनाली का जो पिता थे वो गुजर गए थे, मर गए थे. तो इसके बाद उनके माँ के पास उतना enough money नहीं था कि उन्हें स्कूल भेजे या स्कूल में एडमिशन करवाए. So Ramakrishna grew up spending most of his time at a Kalika Devi temple in the village. तो रामकृष्ण क्या करता था, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय एक टेम्पल था अपने विलेज पे जिसका नाम था कालिका देवी टेम्पल, वहाँ पे गुजरता था उसका मोस्ट ऑफ द टाइम. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो उसी टेम्पल पे रहता था. वन डे ए होली मैन टोल्ड रामकृष्ण दैट इफ ही स्टेड इन द टेम्पल ऑल दो द नाइट ड्यूरिंग अ फुल मून गॉडेस काली वुड मैनिफेस्ट हरसेल्फ बिफोर हिम. यानी कि एक होली मैन, यानी कि एक पवित्र या जो होते हैं ना टेम्पल में रहते हैं जो साधु होते, किसी एक ने कहा था कि अगर तुम एक फुल नाइट मून पे यहाँ पे अगर रहोगे तो तुम्हारे सामने साक्षात काली जो है, काली माँ जो है, वो तुम्हारे सामने प्रकट होंगे. ऑन द फॉलोइंग फुल मून नाइट रामकृष्ण वेंट टू द टेम्पल एंड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल. यानी कि एक फुल मून नाइट जब हुआ था तो रामकृष्ण वहाँ पे गया है, यानी कि उस टेम्पल पे गया था. एज ही सेट ही बिकेम सो इन्वॉल्व इन हिज थॉट अबाउट द
गॉडेस दैट ही डिडेंट रियलाइज व्हेन द नाइट पास। और वो अपने इस मंदिर में जाने के बाद वो इतना ध्यान में खो चुका था कि सुबह रात कब गुजरा उसको मालूम ही नहीं था। जस्ट एज द सन बिगन टू राइज, और सूरज की किरणें या सूरज जब राइज हो रहा था, ए प्रेजेंस इन द टेम्पल पुल रामकृष्ण आउट ऑफ हिज रिवेर। तो किसी एक का यहाँ पे क्या हुआ, उदय हुआ, यानी कि प्रेजेंस यानी कि उपस्थित हुए, कोई एक यहाँ पे आके उपस्थित हुए। ही लुक अप टू द सी गॉडेस काली स्टैंडिंग बिफोर हिम, और तब उसने देखा कि काली माँ जो है वो उसके सामने खड़ी है, ग्लेयरिंग एट हिम, और उसके तरफ देख रही है। इन हर टेन हैंड शी हैल्ड वेपन्स ऑफ डेथ इंक्लूडिंग ए माइटी ट्राइडेंट एंड ए रेजोड शार्प मिस्टेज। और कालीमा, हम जानते हैं कालीमा कैसे होते कि उनके 10 हैंड्स होते और उनके साथ कुछ वेपन्स भी होते जो किसी एक को मार के या खेल करके वो आई है। तो गॉडेस काली इम्प्रेस्ड बाय द डिविशन ऑफ राम कृष्णा रिप्लाइड, यानी कि काली ने कहा कि मैं तुम्हारे इस प्रार्थना से इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। फ्रॉम टुडे यू विल बी नोन एज विकट कवि जेस्टर ऑफ तेनाली। तो आज से तुम तेनाली के विकट कवि यानी कि जेस्टर हो। जेस्टर का मतलब है कि जोकर या एंटरटेनर। तो आज से तुम एंटरटेनर हो किसके, तेनाली के। गो टू राजा कृष्णदेवा एंड टेल हिम आई सेंट यू टू बी हिज कोर्ट जेस्टर। और जाओ जाके कृष्णदेवा जो राजा है उनको बोलो कि मैंने भेजा है तुम्हें इनके कोर्ट में जेस्टर यानी कि एंटरटेनर बनने के लिए। तो पहले ज़माने में क्या होता था, राजाओं के पास लोग आते थे, यानी कि डांसर सिंगर ऐसे लोग आते थे कि राजा को एंटरटेन किया जाए। आजकल क्या हुआ है, आजकल टीवी मोबाइल ये सब हो गया है, तो हम अपने आप एंटरटेन हो जाते, जैसा वीडियो जैसा सॉन्ग जैसा डांस देखना देखने की इच्छा हो हम क्या करते हैं, मोबाइल या टीवी पे देख पाते थे। तब क्या था, राजाओं जो थे वो ऐसे करते थे। तो जेस्टर यानी कि एंटरटेनर जोकर जो राजा को एंटरटेन करेगा। देन शी जेंटली टच हर ट्राइडेंट टू रामकृष्णज हैड एंड सेड। तब काली ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, आई ब्लेस यू विद ब्लेरेंस ऑफ माइंड एंड शार्प विथ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। बट रिमेंबर यू कैन यूज दिस ओनली टू हेल्प पीपल। बट तुम्हें ये कब यूज़ करना है, जब लोगों का हेल्प चाहिए या लोगों को हेल्प करने की काम आए, ऐसे कुछ काम हो तो तब तुम्हें ये काम करना चाहिए। नेवर यूज़ योर सेंस ऑफ ह्यूमर टू डिसऑनर द इनोसेंट और टू हर्ट द वल्नरेबल। और कभी भी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, अपना जो मूड है, अपना जो चिंता भावना है, वो कभी भी दूसरे के हार्ट, दूसरों के क्षति हो, दूसरों को हार्ट हो, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि रामकृष्ण जब काली उनके सामने प्रकट हुए थे, तो रामकृष्ण का एक जो इमेजिनरी पिक्चर यहाँ पे है, तुम देख सकते हो। When Tenali Rama arrived at Krishna Deva's place, he was stopped at the gates. यानी कि तेनाली रामा, रामकृष्णा जो था उसका जो नाम था तेनाली, वो आया, उसको तेनाली भी बुलाते थे लोग। तो तेनाली जब राजा के प्लेस पे आया, राजा के दरबार पे आया, he was stopped at the gates by security guard, और सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। That day the king was not meeting visitor because he had invited a famous troupe of actors to perform and play for him. तो जिस दिन तेनाली गया था उस दिन क्या था, विजिटर्स के लिए कोई मीटिंग नहीं था, क्योंकि राजा
वहाँ पे कुछ एक्टर बुलाए थे जिनका परफॉर्मेंस जो परफॉर्म कर रहे थे राजा के लिए होते। एज तेनालीराम स्टूड प्लीडिंग विद द गार्ड ही सॉ सम एक्टर्स इन कॉस्ट्यूम वॉक इन थ्रू द गेट्स। तो जब ये गार्ड के साथ बात कर रहा था तेनाली, तब देखा कि कुछ एक्टर्स अपने कॉस्ट्यूम यानी कि कपड़े, एक्टर्स की जो उनका जो रोल था वो कपड़े लगा के गेट के अंदर से गुजर रहे हैं। तेनालीरामा वेंट बैक टू इन टू द टाउन एंड चेंज इन टू ए कलरफुल टेक्टिकल आउटफिट। तब तेनालीरामा क्या किया, तेनालीरामा अपने टाउन में लौटा और वहाँ पे जाके कलरफुल एक आउटफिट यानी कि एक कपड़ा लगा के आया। देन ही रिटर्न टू द पैलेस एंड टोल्ड द गार्ड ही वॉज ए मेम्बर ऑफ ड्रामा ट्रूप एंड वॉज रनिंग लेट। तब तेनालीरामा ने कहा कि मैं इस एक जो ड्रामा ट्रूप हो रहा है अंदर, इसका एक साथी हूँ और मैं लेट हुआ हूँ। तो गार्ड ने कहा, नो आई कैन लेट यू थ्रो, द गार्ड सेड, द लीडर ऑफ द ट्रूप लेफ्ट मी नो इंस्ट्रक्शन दैट यू वुड कम लेट। तो उसने कहा कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई लेट आएगा और मैं इसे भेजूँगा। लेट मी गो इंस्टेड, आई विल रिटर्न विद द लीडर्स इंस्ट्रक्शन। द गार्ड शुक हिज हैड, यानी कि तब तेनाली ने कहा कि मुझे अंदर जाने दो और मैं परमिशन लेके आऊँगा। तब भी गार्ड ने नहीं माना, उसने अपना हेड जो है वो हिलाया यानी कि ना किया, मना किया। इफ़ यू लेट मी आई विल गिव यू हाफ ऑफ व्हाट द किंग पेज मी, तेनालीरामा प्लीडेड। तो तेनालीरामा ने कहा, अगर तुम मुझे अंदर जाने दोगे तो मैं राजा जो देंगे उन उसका हाफ तुम्हें दे दूंगा। द गार्ड लाइक दैट आइडिया वेरी मच एंड अलाउड तेनालीरामा टू एंटर। तो गार्ड ने जो तेनालीराम ने जो ऑफर किया है गार्ड को, वो बहुत अच्छा लगा और उसने ये ऑफर मना नहीं किया। तो अनदर गार्ड स्टॉप तेनालीराम दिस टाइम एट द डोर ऑफ द कोर्ट रूम, यानी कि तब अनदर गार्ड ने उसे कोर्ट रूम के अंदर जाने से रोक दिया। तब क्या किया, इफ़ यू लेट मी गो आई विल गिव यू हाफ व्हाट किंग पेज, तेनालीरामा प्रॉमिस दिस गार्ड टू एंश्योर एनाफ ही वॉज अलाउड इन। तब तेनालीरामा ने दूसरे गार्ड को भी आह्वान किया कि राजा जो देंगे उसका हाफ तुम्हें दे दूंगा, और वो जानता था कि ये गार्ड भी मना नहीं करेगा। तो एंटरिंग द कोर्ट तेनालीरामा श्रम अपन द स्टेज राइट इन द मिडल ऑफ द परफॉर्मेंस, इमिडिएटली द एक्टर स्टॉप परफॉर्मिंग। तो तेनालीरामा ने क्या किया, कोर्ट में डायरेक्ट जाके मिडिल पे खड़ा होया और वहाँ पे जो एक्टर परफॉर्म कर रहे थे वो स्टॉप हो चुके थे यानी कि वो बंद कर दिए। तो व्हाट गोइंग ऑन, द किंग आस्क, व्हाई डिड यू स्टॉप। तो राजा ने कहा, तुम स्टॉप क्यों हो गए हो, क्या हुआ। तो उसका जो लीडर था, सर द लीडर एक्टर बोर्ड बिफोर द किंग, यानी कि वो अपना माथा नीचे करके, अपने मुंडी नीचे करके राजा के सामने बैठ गया और कहा, फॉरगिव आस फॉर द इंटरप्शन, माफ़ कर दे राजा, बट वी डोंट नो दिस मैन, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर प्ले। मैं ये आदमी को नहीं जानता, ये हमारे ड्रामा या हमारे एक्ट के आदमी नहीं है। हु आर यू राजा, कृष्ण देवा आस्क्ड तेनाली। तब राजा ने पूछा तेनाली को कि तुम कौन हो। तो माई नेम इज़ तेनाली राम कृष्ण, गॉडनेस काली हैज सेड दैट आई एम विकेट कवि तेनाली एंड दैट आई शुड वर्क इन योर कोर्ट एज अ जस्टर। तब तेनाली रामकृष्ण तेनाली ने कहा कि मैं तेनाली रामकृष्ण हूँ और मुझे काली ने भेजा है कि तुम्हारे इस कोर्ट में जोकर या एंटरटेनर या जस्टर बनूँ। हु डिड यू से सेंड टू मी, तब राजा ने कहा, किसने भेजा है तुम्हें। गॉडनेस काली हरसेल्फ सेड आई शुड बी योर एंटरटेनर, आर यू एंटरटेन। तब तेनाली ने कहा कि खुद काली ने भेजा है मुझे और आई शुड बी योर एंटरटेनर, मैं तुम्हारा एंटरटेनर बनूंगा, आर यू एंटरटेन। तुम
तुम्हें क्या एंटरटेन हुआ या तुम्हें क्या पसंद हुआ? वेरी मच सेड द किंग, वेरी मच सेड द किंग, यानी कि किंग ने कहा बहुत ही बढ़िया, यानी कि वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे थे, वो बैंक करके उसको चिढ़ा के ये बोल रहे थे कि वेरी मच सो मच दैट आई विल रिवार्ड यू हैंडसमली। तो राजा ने कहा कि मैं इतना खुश हुआ हूँ कि तुम्हें रिवार्ड दूंगा। असल में ये रिवार्ड एक्चुअली वो पॉजिटिवली नहीं है, वो नेगेटिव रिवार्ड से। गार्ड्स ही कॉल गिव दिस मैन 100 लैशेस। तब गार्ड को बुलाया और कहा कि इस आदमी को 100 लैशेस यानी कि चाबुक से मारो। वेट महाराज, तेनाली से। तब तेनाली ने कहा कि रुके महाराज, ऑन माई वे इन टू द पैलेस आई प्रोमिस हाफ ऑफ वाट यू पेड मी टू गार्ड एट द मेन डोर एंड द अदर हाफ टू द गार्ड एट द कोर्ट्स डोर। आई एम एन ऑनेस्ट ब्राह्मण, आई मस्ट पे माई डेब्ट, सो इफ यू प्लीज सर आई वुड लाइक टू शेयर माई पेमेंट्स विथ योर कार्ड्स। तब तेनाली ने कहा कि रुकिए महाराज, मैं एक ब्राह्मीण लड़का हूँ और मैं जो प्रॉमिस करता हूँ, जो मेरा ऋण है, वो मैं परिशोध करूँगा। और क्या है ऋण कि मैंने जब अपने आपका जो गेट है वहाँ पे आया था, तो मैंने कहा कि मैं जो मुझे मिलेगा उसका 50% वो गेट वाले गार्ड को दूंगा और कोर्ट रूम से पहले जो दरवाजे में जो गार्ड है उसको मैं और आधा ये दूंगा। तो मैं अपना जो 100% है वो 50-50 आपके दो गार्ड्स को देना चाहता हूँ। ये एक्चुअली एक मूवी है जिसका जो जोधा अकबर ऋतिक रोशन ने किया है। अगर वो तुमने देखा है तो तुम समझ पाओगे कि वहाँ पे एग्जैक्टली सेम एक सीन वहाँ पे भी था कि ऐसे ही राजा थे ऋतिक रोशन और उसके दरबार पे लोग आते थे, तब एक पुअर फार्मर को रोक दिया गया और कहा कि तुम अंदर नहीं जा पाओगे। तो फार्मर ने रामकृष्ण तेनाली की तरह क्या किया था, गार्ड को कहा था कि मैं मुझे जो मिलेगा वो मैं तुम्हें दूंगा। तो इसी तरह ये सेम स्टोरी यहाँ पे भी है। तेनालीरामा एस्केप विदाउट ए सिंगल लैश ऑन हिज बॉडी, और तेनालीरामा चले गए अपने बॉडी पे एक सिंगल लैशेस यानी कि चाबुक से मार ना खा के वो चला गया, यानी कि वो 100 लैशेस 100 चाबुक का मार किस पे पड़ा है, वो दोनों गार्ड्स के ऊपर। वायर द टू गार्ड्स रिसीव 50 लैशेस इच, द किंग वॉज सो प्लीज विद तेनालीरामा स्किलफुल वे ऑफ नॉट ओनली अवॉइडिंग पनिशमेंट बट ऑल्सो एक्सपोजिंग द ग्रीड ऑफ हिज गार्ड्स दैट ही अपॉइंटेड हिम एज हिज कोर्ट जेस्टर। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए तेनाली के इस एक्ट के कारण, वो ना कि पनिशमेंट से बचाए बल्कि अपना जो गार्ड था उनका भी खुलासा किया है। जेस्टर इज ए पर्सन हु कीप्स अदर एंटरटेन विद हिज जोक्स एंड ह्यूमर। और जेस्टर कौन है, जो लोगों को हंसाता है, लोगों को एंटरटेन करता है अपने जोक से, अपने उपस्थित बुद्धि से। हाउएवर तेनालीरामा डिड नॉट रिमेन जस्ट ए जेस्टर इन कृष्ण देवास कोर्ट ही अल्सो। तो क्या हुआ है कि तेनालीरामा सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं रहा है कृषभ यानी कि राजा के इस कोर्ट पे, वो क्या बना है, ही अल्सो बिकेम एन मिनिस्टर। और वो क्या बनाए, एक मिनिस्टर बनाए। ऑल्दो ही हैड नो फॉर्मल एडुकेशन ही थॉट हिमसेल्फ टू रीड एंड राइट एंड ही लर्न्ड द स्किल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो एक मतलब उसके पास कोई डिग्री या वो शिक्षा उसके अंदर कम था, तो उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते और रीड एंड राइट उसके ऊपर काम किया, वो सीखा। यूजिंग बोथ हिज टैलेंट्स ऑफ ह्यूमर एंड गवर्नेंस ही हेल्प कोर्ट प्रॉब्लम इन द पीपल्स लाइफ। और ये दोनों एक साथ जब हुआ, मतलब उसके पास तो बुद्धि था लेकिन वो लर्निंग रीडिंग या राइटिंग उस पर नहीं था, शिक्षा की कमी था, तो उसने क्या किया, ये सब सीखा। और उसके बाद यानी कि बुद्धि
या गवर्नस, या वो एक मिनिस्टर था यानी कि कोर्ट में, यानी कि राजा के कोर्ट में मिनिस्टर था। तो ये पावर और अपना जो टैलेंट या स्किल है उसका यूज़ करके उसने क्या किया, पीपल को प्रॉब्लम से बचाया। तो कुछ क्वेश्चंस है, तुम देख सकते हो, हु वाज तेनालीरामा? तो तेनालीरामा वाज ए ब्राह्मिन बॉय, कैन से। हाउ डिड तेनालीरामा गेट उजडम एंड स्कॉलरशिप? कैसे उसने उजडम या स्कॉलरशिप मिला था? वो क्या किया, ये पूरा एक रात यानी कि फुल नाइट मून पे वो एक टेंपल पे क्या किया, परफॉर्म किया, प्रेयर किया, काली को पुकारा, तब जाके उसको ये वर्शिप मिला। व्हाट डिड तेनालीरामा प्रॉमिस टू गिव द गार्ड्स? क्या प्रॉमिस किया था तेनालीरामा ने गार्ड्स को, कि गार्ड्स को ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपना जो मिलेगा अंदर, यानी कि राजा मुझे जो देंगे उसका 50% मैं तुम्हें दे दूंगा। हाउ डिड तेनालीरामा एंश्योर दैट द गार्ड गॉट व्हाट वॉज ड्यू टू दैम? हाउ डिड तेनालीरामा एंश्योर दैट द गार्ड गॉट व्हाट वॉज ड्यू टू दैम? तो तुम्हें तेनालीरामा को कैसे ये मालूम हुआ कि जो गार्ड को मिला था वो उनके कामों के कारण मिला था? कैसे? क्योंकि वो लालची थे, वो हर एक से पैसा लेते थे, घूस लेते थे, तो ये एक अच्छा हुआ। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस स्टोरी? और इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? ये स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि अगर तुम टैलेंटेड हो, अगर तुम्हारे पास बुद्धि है, अगर तुम एक एंटरटेनर हो, लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, तो तुम क्या कर पाओगे, दुनिया जीत लोगे और सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास वो पावर है, वो शक्ति है, वो टैलेंट है, वो स्किल है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर है, अगर है तो तुम ये चीज़ें कर पाओगे और तुम्हारे जो सक्सेस है वो किसी को हार्ट नहीं करेगा, तुम्हें जल्दी सक्सेस मिलेगा। तो ये स्टोरी ख़त्म होता है यहाँ पे। होप यू एन्जॉय द स्टोरी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू ऑल्सो कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप यू आर वेल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।